हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार इन्फोबाइट कोचिंग सेंटर की तरफ से आप सभी लोगों का क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। हम लोग अपने सबसे पहले चैप्टर के साथ डील कर रहे थे और ये शायद सेकंड लेक्चर है और ये चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रैशनल नंबर्स के ऊपर क्वेश्चन किया था एंड आप लोगों को दिया गया होमवर्क आप लोगों ने अटेम्प्ट भी किया, इट वॉज नाइस। सो और सब ने बहुत अच्छा किया। तो इरेशनल नंबर्स के बारे में हम बात करते हैं। इरेशनल नंबर्स क्या है? लास्ट टाइम हम लोगों ने देखे थे रैशनल नंबर्स। सो इरेशनल नंबर्स है, अ नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन थी आप देखें उससे एकदम रिलेट कर रहा है, बट एक ही डिफरेंस है कि वो रिप्रेजेंट किया जा सकता है पी बाई क्यू के फॉर्म में और ये रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। सिंपलेस्ट पी बाई क्यू के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, राइट। और पी और क्यू दोनों इंटीजर हो सकते हैं और क्यू यहाँ पर भी जीरो नहीं होगा, फिर भी उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। बहुत सारे इन्फाइनाइटली मैनी इरेशनल नंबर्स हैं, इन्फाइनाइटली मैनी। आप किसी भी इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट की बात करें तो इरेशनल है, आप पाई की बात करें तो वो इरेशनल है। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, 22/7 की अगर आप बात करें तो वो रैशनल है। आप बोलेंगे अगर पाई इरेशनल है तो 22/7 रैशनल कैसे है, मैं उस पर डिस्कस करूँगा अभी थोड़ी देर में। और यहाँ पे आप एक नंबर देख रहे होंगे, ये नंबर भी इरेशनल है। अब ये क्या है और कैसे मैंने बोला कि पाई और ये 22/7 और 0. जो नंबर दिया हुआ है 0110111011111, ओके खैर, तो जो भी ये नंबर दिया हुआ है ये इरेशनल है, कैसे मैं कह सकता हूँ, चलिए देखते हैं। ओके हम सिंपलेस्ट पी बाई क्यू के फॉर्म में कब रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर हम इस बात को समझें तो ये समझ जाएंगे कि रैशनल और इरेशनल नंबर में क्या डिफरेंस है। सिंपलेस्ट पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, पी बाई क्यू क्या है एक्चुअली, ये है एक डिवीजन, ओके। अब जब भी हम एक डिवीजन परफॉर्म करते हैं, तो हमारे पास दो में से एक स्टेट आते हैं, एक डिविजिबिलिटी की स्टेट आती है। डिविजिबिलिटी की स्टेट को हम कहते हैं और दूसरी स्टेट होती है ऑफ कोर्स इनडिविजिबिलिटी, ठीक है, इसी का अपोजिट। सो डिविजिबिलिटी की जो स्टेट होती है उसका ठीक अपोजिट होता है इनडिविजिबिलिटी की स्टेट, और डिवीजन के केस में दोनों आते हैं। डिविजिबिलिटी के केस में तो सीधा हम फैक्टर से डिवाइड कर रहे होते हैं, जैसे क्यू फैक्टर होगा अगर पी का तो हम सीधा डिवाइड करेंगे एंड वो डिविजिबिलिटी का स्टेट है, बिकॉज पी इज डिविजिबल बाई क्यू, और वो एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, डेफिनेटली ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म है अगर वो डिविजिबिलिटी के स्टेट में आता है। डेफिनेटली डिविजिबिलिटी के केस में हमको जो नंबर मिलता है वो रैशनल नंबर मिलता है। इनडिविजिबिलिटी के स्टेट में क्या होता है, हम डेसिमल पॉइंट लगा करके, यानी हम लोग नॉर्मल इंटीजर्स या नॉर्मल नेचुरल नंबर्स या होल नंबर्स जो भी आपको, सो नॉर्मल होल नंबर से निकल करके हम लोग किस में चले जाते हैं, रियल नंबर्स में चले जाते हैं, डेसिमल पॉइंट वाले नंबर्स में चले जाते हैं और फिर उसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। उसमें भी एक केस आता है जब रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है, राइट। रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है तो भी एक हद तक वो डिविजिबल है, यानी वो भी सिंपलेस्ट पी बाई क्यू का फॉर्म है, और इस केस में भी वो नंबर क्या होता है, रैशनल होता है, लाइक 3/2। डिविजिबिलिटी का स्टेट देखें तो लाइक 4/2 डिविजिबल है। इंडिविजिबिलिटी स्टेट में डेसिमल में जाते हैं और उसमें पहला आपको बता रहा हूँ 3/2, आप 3 को 2 से डिवाइड कीजिए क्या आएगा 1.5 और रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक। तो 3/2 एक रैशनल नंबर है, नो डाउट, ओके। दूसरा केस तब आता है जब रिमाइंडर 0 नहीं आता, यानी ये हो जाती है एक इंडिविजिबिलिटी की स्टेट, ओके। अब इंडिविजिबिलिटी की स्टेट में भी दो स्टेट हो गए, एक जब डेसिमल लगाकर एक सिचुएशन के बाद रिमाइंडर 0 आ जाता है, और जब रिमाइंडर 0 नहीं आता, तो इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, बट नॉन टर्मिनेटिंग ये भी है नॉन टर्मिनेटिंग, राइट, सेम थिंग। तो मैंने दो बार क्यों लिखा, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो केस हैं, जो क्वेश्चन में जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं एक्चुअली क्वेश्चन में जो डिजिट आ रहा है वो डेसिमल पॉइंट के बाद की चीज़ रिपीट हो रही है,
सो हम कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग लाइक 0.44444, राइट, और 0.365555, ओके, आर यू गेटिंग इट? ओके, या नॉन, या 3.365365365, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का स्टेट है. पर दूसरा जो स्टेट होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. अब अगर आपको वो नंबर याद हो, मतलब नंबर क्या था, शायद 0.01011011011, तो जीरो तो आ रहा है बट उसके बाद नंबर ऑफ वंस जो है वो सेम नहीं है, राइट. तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. ओके, तो वापस से आपको मैं बताता हूँ, डिवीजन के केस में दो स्टेट आते हैं, डिविजिबिलिटी के या इनडिविजिबिलिटी के. डिविजिबिलिटी का स्टेट वो होता है जब हमारा नंबर डायरेक्टली फैक्टर से डिवाइड हो रहा हो, राइट, वो होल नंबर के केस में आता है और उस केस को भी हम रैशनल नंबर का केस मानते हैं. दूसरा इंडिविजिबिलिटी का स्टेट है, इंडिविजिबिलिटी के स्टेट में रियल नंबर्स आते हैं. जब रियल नंबर्स ऐसे आए जहाँ पर एक रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए, डिवाइड करने के कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए, तो जैसे 3/2 हमने बताया, 1.5, तो वो केस भी रैशनल नंबर का है क्योंकि वो सिंपलेस्ट फॉर्म है p/q का. जब रिमाइंडर ज़ीरो ना हो और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो तो हम इनको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. आपको हम देखेंगे अभी आगे कि इन नंबर्स को, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स को भी हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो ये भी केस है हमारा रैशनल नंबर का ही. तो इरैशनल नंबर का सिर्फ और सिर्फ एक ही केस है और वो केस क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. आई होप ये क्लियर हो गया हो. तो आपको याद होगा मैंने इस नंबर के बारे में बात किया था, 0.10110. तो ये एक इरेशनल नंबर है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है. और पाई की अगर हम बात करें, मैंने बोला था पाई इरेशनल है क्योंकि वो भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है. मगर 22/7 की अगर हम बात करें तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है. और मैंने वहाँ पे बताया था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आपका रैशनल नंबर होता है. तो पाई आपका इरैशनल नंबर है बट 22/7 आपका रैशनल नंबर है. कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स मेक अप रियल नंबर्स. सारे रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स मिलकर क्या बनता है, रियल नंबर्स. और रियल नंबर्स को डिनोट किससे किया जाता है, कैपिटल आर से. एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाई ए यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन. बहुत ध्यान देने वाली बात है. अगर मैं बोल रहा हूँ एवरी रियल नंबर, डैट मीन्स अभी उस बात को डिटेल में देखेंगे. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सारे रियल नंबर्स को एक पॉइंट की मदद से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है. और जब बोला जा रहा है सारे रियल नंबर्स को, यानी कि रैशनल और इरैशनल सारे नंबर्स को, आपने क्लास 8 और उससे नीचे रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना आता होगा आपको. और अब इरैशनल नंबर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करना सीख सकते हैं. रैशनल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए ज़रूर, और अगर आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा. इरैशनल नंबर के रिप्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास दो एग्जांपल हैं जो हमारे एनसीईआरटी के एग्जांपल हैं, जो है √2 और √3. अभी इनको देखते हैं. तो क्वेश्चन कह रहा है कि √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देना. अब √2 को डायरेक्टली हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि इसकी हमको कोई स्पेसिफिक वैल्यू मालूम नहीं है. ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है. तो अब इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन के ऊपर, तो हम इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं. आपको इस बारे में लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे डिटेल में, बट पाइथागोरस थ्योरम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके बारे में आप जानते हैं कि √h = √p² + b². तो अगर हम √2 को किसी तरह से √p² + b² के फॉर्म में निकाल लें तो हमको एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला मिल जाएगा जिसके हाइपोटेन्यूस की वैल्यू √2 होगी. मेरे कहने का मतलब है अगर इस पूरे की वैल्यू, इमेजिन कीजिए इस पूरे की वैल्यू राइट 2 है, p² + b² की वैल्यू अगर 2 है तो √h क्या है, √h है √2. तो हमको एक ट्रायंगल का ऐसा हाइपोटेन्यूस मिल जाएगा जिसका लेंथ है या √2 यूनिट, मैं सेंटीमीटर भी नहीं बोलूँगा यहाँ पर क्योंकि √2 को रिप्रेजेंट करना है, बट उस हाइपोटेन्यूस की लेंथ है √2.
राइट अब इसको करने के लिए हम रूट टू को ज़रा दूसरे फॉर्म में लिखते हैं। रूट टू को आप कैसे लिख सकते हो? ओके, तो रूट टू को आप लिख सकते हो 1+1, राइट, और 1+1 का रूट रूट टू, राइट। अब 1 एक रैशनल नंबर है और 1 को हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। आपको पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, राइट। तो 1 को आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इट्स इजीली 1² + 1² कोई दिक्कत ही नहीं है। यानी 1 यूनिट का अगर बेस और 1 यूनिट की अगर परपेंडिकुलर लेंथ हो तो हाइपोटेन्यूस का लेंथ होगा रूट टू। तो आप 1 यूनिट यानी इतनी ही लेंथ को लाइन खींच लीजिए और ये हाइपोटेन्यूस जो आप ड्रॉ करेंगे इसकी लेंथ होगी रूट टू। ओके, सो इस तरह से हमको एक ट्रायंगल मिल जाएगा जिसका हाइपोटेन्यूस की लेंथ रूट टू होगी। अब आप कंपास रखकर इस रेडियस से ड्रॉ करें नंबर लाइन पे, वो जहाँ कट करें ये पॉइंट हो जाएगा आपका रूट टू। ओके, इसी तरह से आप रूट थ्री को भी नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रूट थ्री को अगर आप लिखें तो ये हो जाएगा 2+1, राइट। अब ये तो ऑब्वियस है कि 1 को आप 1 का स्क्वायर लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 को आप किसका स्क्वायर लिख सकते हो? तो रूट टू का, बिकॉज रूट टू का आप स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, वो बन जाएगा 2 और वो बन जाएगा 2+1 यानी कि रूट थ्री। अब रूट टू तो एक इरेशनल है खुद, तो हम रूट टू लेंथ ले नहीं सकते। अगर हम नंबर लाइन की बात करें तो इस पर आप कहीं पर भी रूट टू लेंथ ले नहीं सकते डायरेक्टली। तो दो तरीका, या तो पिछली तरह रूट टू ले लो, ये पॉइंट मिल जाएगा, राइट। मान लेते हैं पिछली बार में हमको रूट टू मिल गया तो ये पॉइंट मिल गया और उसके बाद हमने इस पे 1 ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा रूट थ्री, ठीक है। वो एक तरीका है। या दूसरा तरीका जो है, जो स्टैंडर्ड तरीका माना जाता है, क्योंकि इस तरीके में कोई गारंटी नहीं कि रूट टू है, क्योंकि आपको पहले वैसे भी दिखाना ही पड़ेगा। तो आप क्या करो, पहले रूट टू को रिप्रेजेंट करो, और रूट टू को हम जानते हैं 1² + 1² के रूट में हमने रिप्रेजेंट किया था। तो ये हो जाएगा 1 और 1, ये आपका हो जाएगा रूट टू, दिस इज 1 एंड दिस इज 1। अब ये आपके इस ट्राइंगल का बेस बन जाएगा जिस पे आप 1 यूनिट ड्रॉ कीजिए और ये लेंथ क्या हो जाएगी, रूट टू स्क्वायर प्लस 1² यानी कि रूट थ्री। अब इस लेंथ को लेकर के अब आप जान रहे होंगे मैंने मेजरमेंट लेकर के नहीं किया, मैंने रफली किया, पर प्रोसेस यही है, ठीक है। तो आप रूट टू रूट थ्री इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने आप लोगों के लिए रूट सेवन भी रखा है कि आप रूट सेवन देख सकें, राइट। सो रूट सेवन को आप किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? इस तरह से आप एक लॉन्ग चेन भी बना सकते हैं, हम इस चेन की भी बात करेंगे, बट रूट सेवन को आप किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे डेट विल बी, चलिए देखते हैं आप के लिए क्या आसान होगा। 4+3 एक हो सकता है, 5+2 एक हो सकता है, राइट। आप मैं एक करूँगा, आप एक दूसरा करेंगे, मैं 4+3 का करूँगा, 5+2 का करेंगे। अभी 4+3 को p² + q² के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2² + √3², क्योंकि 3 भी परफेक्ट नहीं है। अब रूट थ्री स्क्वायर बनाने के लिए, अब रूट थ्री बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, क्योंकि खुद एक इरेशनल है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए आपको? रूट थ्री को रिप्रेजेंट करने के लिए चाहिए हमको 2+1 नहीं, √2² + 1। यहाँ पे फिर से आपको एक इरेशनल नंबर मिला। अब रूट टू को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1² + 1² जब तक आपको ये रैशनल नंबर्स नहीं मिल जाते हैं तब तक आप उसको पाइथागोरस थ्योरम को इनहेंस करते चले जाएंगे। जैसे ही रैशनल नंबर मिल जाए आप बनाना शुरू कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम रूट टू को बनाएंगे, सो 0, 1, 2, 3। रूट टू क्या है? 1+1, तो अगेन मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज ले लेता हूँ, समझने में आपको आसानी होगी। सो 1 और 1, तो ये लेंथ हो गया हमारा 1 ये हो गया हमारा रूट टू। अब √2² + 1² यानी रूट टू पर अगर 1, मैंने स्क्वायर नहीं लिखा, √2² + 1² रूट टू पर अगर मैंने 1 लेंथ ले लिया तो मेरा बन गया √2+1² यानी कि रूट थ्री, और रूट थ्री पर मैंने 2 लेंथ ले लिया, यहाँ पे टच होगा, ओके, सो दैट विल बी रूट सेवन।
तो कई लोग इसके रूट थ्री के बाद फिर वन जोड़ते हैं, राइट। तो रूट थ्री के बाद वन जोड़ेंगे तो हो जाएगा रूट फोर, और रूट फोर होता है टू, तो उसके लिए आप सीधा टू लेते, क्यों आपने उतना जोड़ा। खैर सो डैट्स इट, एंड आप लोगों के लिए होमवर्क ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 है। इस बार मैंने बहुत शॉर्ट रखा है क्योंकि आप लोगों के लिए मैं केमिस्ट्री और हिस्ट्री का ट्यूटोरियल सुबह सुबह पोस्ट करूँगा। आई होप सुबह मैं कर पाऊँ क्योंकि सुबह सुबह एक लेक्चर और है। सो मैं जल्दी से जल्दी पोस्ट करूँगा। थैंक यू।